हेलो एवरीवन अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड अ वेलकम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी को आवाज आ रही है मेरी रोहित अभिषेक पूजा सुखदेव गुड इवनिंग एक बार बता दीजिए एम आई ऑडिबल टू यू ऑल गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। अनामिका रजत विमल एक बार बता दीजिए यस सर बिल्कुल आपकी आवाज क्लियर है आप साफ नजर आ रहे हैं फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन सो आ जाइए लेट्स गेट स्टार्टेड आज से हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज शुरू कर रहे हैं राइट right? और एवरी डे वी विल हैव ट्वेंटी क्वेश्चन ओनली और इन ट्वेंटी क्वेश्चन है डेफिनेटली आपकी जो ईडियम्स और फ्रेजेस की समस्या है वो काफी हद तक दूर करने की मैं कोशिश करूंगा ठीक है तो स्पीड हमें बढ़ा के रखनी है और uh, क्या आप जैसे क्वेश्चन देखें तुरंत आंसर करें मैं साथ के साथ डिस्कस करता चला जाऊंगा और आप लास्ट में अपना स्कोर कार्ड बताएंगे कि कितने आपके सही हुए सो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड देन फर्स्ट क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आ गया जी वी नो दैट ही इज द वन रिस्पांसिबल फॉर द डिस बट एज ही इज वेल कनेक्टेड ऑल वी कैन डू इट सेंड हिम टू कोवेंट्री जी वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिक्युलर इडियोमेटिक एक्सप्रेशन सेंड हिम टू द कॉवेंट्री इस पर्टिकुलर सेट में लेवल आपको हर तरह के मिलेंगे जैसे आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होंगे मॉडरेट भी होंगे और ईजी भी होंगे सेंड हिम टू कॉवेंट्री का क्या मतलब होता है ट्रांसफर हिम कमेंड हिम बायक ऑट हिम और डिसमिस हिम करेक्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन इज बायकॉट हिम सेंड हिम टू कॉवेंट्री का मतलब होता है जैसे किसी इंसान को तुम अलग थलग कर दो कहते हैं एलियनेट कर देना घर में उससे बातचीत ही नहीं कर रहे तुम बिल्कुल कोई उससे नहीं बोल रहा तो वो बेचारा ऐसा फील करता है कि वो पूरी तरह से बाइकॉटेड है दैट इज द मीनिंग क्या कहानी है वो कॉमेंट सेक्शन में खोज के बताना कॉवेंट्री एक जगह का नाम है मैंने आपको बता दिया आइए जिसका मतलब होता है किसी को एक बड़ा अच्छा शब्द बोला है लिख भी देता हूं यहां पर एलियनेट कर देना किसी को एलियन से बना हुआ है आपको पता है किसी को अलग थलग कर देना बातचीत ना करना उसको जिसे कहते हैं ना ऑस्ट्रेसाइज कर देना ऑस्ट्रेसाइज भी एक अच्छा शब्द है नेक्स्ट वन द नोबल मैन गेव अप द घोस्ट क्या मतलब है इसका लेफ्ट द घोस्ट लिफ्ट लाइक अ घोस्ट इनवाइटेड घोस्ट आर डायट आर डाइड ब ऑफ द घोष्ट बहुत ही कॉमन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जो एग्जाम में पूछा जाता है करेक्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन इज वेरी गुड वेरी गुड करेक्ट ऑप्शन इज डायट अब देखो जरा इस पर्टिकुलर इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का भी सेंस समझने की कोशिश करो गेब अप द घोस्ट अगर लिविंग बींग के साथ इस्तेमाल होता है किसी इंसान के साथ इस्तेमाल होता है तो डेफिनेटली यहां पे सेंस आता है उसके डेथ से राइट right? एक्सपायर होने से डेथ से डेथ के लिए कुछ अच्छे हमारे पास यूफेमिस्टिक टर्म्स क्या हो सकते हैं लाइक लेफ्ट फॉर हैवनली अबोड टच द लोटस फीट ही इज नो मोर पास्ड अवे ये सब हमारे यूफेमिस्टिक टर्म है तो नोबल मैन गेव अप द दोस्ट मीन्स वॉट अ नोबल मैन डाइट नोबल मैन लेफ्ट फॉर हैवनली अबोट लेकिन अगर यहीं पे आप किसी मशीन के लिए या नॉन लिविंग थिंग के लिए ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हुए देखते हैं जैसे मान लो कोई मशीन है उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है डायडअप घोष्ट इसका क्या मतलब कि वो मशीन काम करना बंद कर चुकी है जैसे इंसान काम करना बंद करेगा तो डेथ हो जाएगी तो अगर किसी नॉन लिविंग के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है इसका मतलब कि वो जो इस काम में एंगेज था उस काम को करना बंद कर दिया है उसने दैट इज ऑल्सो द सेंस आइए नेक्स्ट पे चलते हैं आप प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट राइड रफ शॉर्ट ओवर हिज मिनिस्टीरियल कलीग्स फॉर लॉन्ग अ प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट राइड रफ शॉर्ट ओवर हिज मिनिस्टीरियल कलीग्स फॉर लॉन्ग ऑप्शन है आपके पास डील अनकाइंडली विद टेक फॉर ग्रांटेड बी हाई हैंडेड विद एंड एक्सप्लॉयड विलफुली फुली वट इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर डील अनकाइंडली विद टेक फॉर ग्रांटेड बी हाई हैंडेड विद एक्सप्लॉयड द करेक्ट ऑप्शन इज बी हाई हैंडेड विद बी हाई हैंडेड विद का क्या मतलब होता है कि भाई आपके पास एक अथॉरिटी है और अथॉरिटेटिव अप्रोच के साथ आप लोगों के साथ डील कर रहे हैं आप दूसरों को लेकर के बड़ा ही एक अच्छा शब्द दिमाग में आ गया इंपीरियस एटीट्यूड है आपका आप थोड़े से एरोगेंट हैं आपके पास जो पावर है उसकी मतलब एक क्या कहते हैं धमक बना करके आप रखना चाहते हो राइट सो इंपीरियस बिहेवियर है आपका आप हाई हैंडेड हैं लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट राइड रफ शॉट ओवर हिज मिनिस्टीरियल कलीग जो साथ में आ, उनके साथ काम करने वाले हैं उनके मंत्रालय के जो बाकी मंत्री हैं उनके साथ आप जाहिर तौर पर हाई हैंडेड ओके नहीं हो सकते हो, साथ में काम करने वाले हैं लेकर के आपको चलना पड़ेगा करेक्ट ऑप्शन है यहां पे बी हाई हैंडेड विद यानी जब आप ऐसे होते हैं तो आप स्कॉर्नफुल होते हैं यह भी शब्द अच्छा आ गया आपके बिहेवियर में डिसडेन नजर आता है कंटेम्प्ट नजर आता है राइट सो दैट इज द मीनिंग ऑफ राइड रफ शॉर्ट याद रखेंगे आइए आगे चलते हैं ही वॉज डाउन इन द माउथ एज ही वॉज डिफीटेड इन इलेक्शन आई थिंक बहुत आसान है मैंने कहा कि जैसे एग्जाम में आपको हर तरह के क्वेश्चन मिलते हैं वैसे ही शुरू के तीन थोड़े से मुश्किल लग सकते हैं बट ये बहुत आसान है डाउन इन द माउथ का क्या मतलब होता है इंसान जब चेहरा बेचारे का बहुत ही झुका हुआ हो डिजेक्टेड फील कर रहा हो देखो डिजेक्टेड में आपका जेक्ट रूट वर्ड आता है जेक्ट का मतलब होता है थ्रो करना यहीं से आता है प्रोजेक्शन यहीं से आता है रिजेक्शन यहीं से आता है डिजेक्शन हो गया इंसान को उठा करके जिंदगी ने कोने में फेंक दिया है माउथ का यही मतलब है और देखो कॉन्टेक्स दे रखा है आपको ही was डाउन इन द माउथ एज ही was डिफीटेड इन द elections चुनाव में हारने के बाद इंसान जाहिर तौर पर बहुत depressed फील करेगा दिस ज्वाइन द आर्मी टू ड्रिंक लाइफ टू द लीज थोड़ा पुराना एडियोमेटिक एक्सप्रेशन है आजकल लोग यूज करते हैं बट रॉन्ग यूसेज है फुलेस्ट का यूज करते हैं हम लिव लाइफ टू तो द फुलेस्ट बहुत बार एडवर्टीजमेंट में भी आपको देखने सुनने को मिलता है बट वो फुलेस्ट जो यूसेज के अकॉर्डिंग देखोगे अगर तो वो करेक्ट नहीं माना जाता बट एनी वे दिस वॉज द एडियोमेटिक एक्सप्रेशन जो पहले यूज होता था अभी भी पूछा जा सकता है लीड शब्द का मतलब समझ लो वॉट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड लीज लीज जो वर्ड यूज होता है ये यूज होता है आपके वाइन जब पीते हैं लोग तो वाइन में लास्ट में जो बचा रह जाए राइट जो उसका बचा हुआ हिस्सा है लास्ट में जैसे कोई भी आप आ, ड्रिंक ले रहे हो तो जो ग्लास के में बिल्कुल लास्ट में बचा हो दैट इज कॉल्ड लीज और वो वाइन के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता था तो यहां पे क्या लिखा टू ड्रिंक लाइफ टू द लीज यानी कहते ना अंतिम घूंट तक जीवन को पियो तो वो वाला कॉन्टेक्स्ट यहां पे आ गया

टू ड्रिंक लाइफ टू द लीज आखिरी खूंट तक नेक्स्ट द कार इन द बैकयार्ड इज प्रूविंग टू बी अ व्हाइट एलिफेंट बहुत कॉमनली यूज होता है टू बी अ व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या है वेरी यूज आइटम कॉस्टली एंड यूजलेस पोजेशन वेरी एक्सपेंसिव इन इन्वेस्टमेंट और यूजफुल मटीरियल वॉट डू यू थिंक व्हाइट एलिफेंट बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं बिल्कुल जी बी करेक्ट ऑप्शन है कॉस्टली एंड यूजलेस पोजेशन कोई चीज बहुत महंगी भी हो और उसका कोई काम भी ना हो उसे हम क्या कहते हैं व्हाइट एलिफेंट व्हाइट एलिफेंट कॉस्टली एंड यूजलेस पोजेशन वेरी गुड आइए नेक्स्ट पर चलते हैं ही टेक्स लीव वंस इन अ ब्लू मून बहुत ही कॉमनली एग्जाम में पूछा जाने वाला है हाई फ्रिक्वेंसी है वंस इन अ ब्लू मून का क्या मतलब होता है भाई रेयरली रेयरली जो चीज वेरी ऑफन ना हो रेयरली हो कभी कभार हो दैट इज कॉल्ड वन इन अ ब्लू मून नेक्स्ट वन द मीटिंगली पुट ऑफ फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है यहां पर और देखो फ्रिजल वर्ब की खासियत यही होती है कि वह कॉन्टेक्सट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसको कहां पर लगाया हुआ है हां जी जैसे मैं अगर ये कहता हूं कि मतलब डिसअपॉइंटेड भी हो जाता है यू हैव पुट ऑफ लॉट ऑफ वेट यहां वेट लूज करने के लिए भी यूज होता है राइट पुट ऑफ क्लोथ कपड़े उतारने के लिए और यहां पर यह आ गया पोस्टपोन करने के लिए मीटिंग को जैसे कहते हैं ना अनिश्चित काल के लिए इसको निरस्त किया जाता है स्थगित किया जाता है तो पोस्टपोन कर देना आगे के लिए कर देना अच्छा एक छोटी सी बात और भी ध्यान में रखनी है पोस्टपोन का एग्जैक्ट अपोजिट एडवांस्ड होता है हम भारतीयों ने नई अंग्रेजी याद की थी हम प्रीपोन बोलते हैं बट प्रीपोन इज नॉट द राइट यूसेज द करेक्ट यूसेज अगर आप देखोगे तो पोस्टपोन का एक्जैक्ट अपोजिट होता है एडवांस यानी समय से पहले करना पोस्टपोन उसको बाद के लिए स्थगित करना एनी वे नेक्स्ट वन द रूल्स ऑफ द डील आर सेट फोर्थ इन द ब्रोशर द रूल्स ऑफ द डील आर सेट फोर्थ हां जी सेट बैक सेट फोर्थ स्टेटेड एक्सेप्टेड कॉन्ट्रेडिक्टेड आर प्रिंटेड इसके साथ जाएंगे विथ ऑप्शन विल यू गो विथ So you are going with A, and that is the correct option. Very good. The rules of the deal are set forth in the brochure. यानी yani, brochure में state किया गया है, दिया गया है, लिखा गया है detailed manner में जो इस deal के rules हैं. Next one. She bought her new house for a song. बहुत ही प्यारा सा idiomatic expression. For a song का क्या मतलब होता है भाई? She bought her new house for a song का मतलब बहुत सस्ते में उसको घर मिल गया. राइट right, तो फॉर अ सॉन्ग याद रखेंगे फॉर अ सॉन्ग का मतलब वेरी चीपली बहुत सस्ते में कोई चीज आपको मिल जाए तो उसके लिए क्या यूज करते हैं फॉर अ सॉन्ग नेक्स्ट वन द रेपूटेड कंपनी इज इन द रेड ड्यू टू द रिसेशन और देखो दिस इज द वेरी गुड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वेन द वीडियोमेटिक एक्सप्रेशन इज गिवेन इन सेंटेंस बिकॉज यू गेट द कॉन्टेक्स्ट

लूजिंग मनी स्पेंडिंग मनी इन डेंजर करेक्ट ऑप्शन है यानी कंपनी का पूरा जो बैलेंस है वो बिगड़ा हुआ है कंपनी खतरे में रेड वैसे भी डेंजर के लिए ही शो करते हैं आया ना यानी कंपनी का पूरा बैलेंस गड़बड़ है वेन द प्रिंसिपल वॉज एंटरिंग द क्लास ऑल माई फ्रेंड्स क्वाइटली डिसअपियर लिविंग मी अलोन टू फेस द म्यूजिक

किसके लिए टू फेस द म्यूजिक सो द करेक्ट ऑप्शन इज टू बियर टू लिसन टू हिम नहीं टू एंटर नो 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 दिस इज द करेक्ट ऑप्शन टू बियर द म्यूजिक का मतलब होता है डांट फटकार का सामना करना आपने कुछ गलतियां करी हैं नाउ यू हैव टू फेस द म्यूजिक मीन्स वॉट कि आपको डांट फटकार सुननी पड़ेगी जो क्रिटिसाइज किया जाएगा वो बर्दाश्त करना पड़ेगा फेवरेबल कमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है ना लिसन करने के लिए चलो अगला केनियन टीम प्रूव टू बी द डार्क हॉर्स इन द आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट जी कॉमेंट सेक्शन में बताइए अभी जो हमारा क्रिकेट uh, में हमने बड़ा बहुत कौन सी ट्रॉफी जीत के आए हैं और उसमें कौन सा खिलाड़ी डार्क हॉर्स साबित हुआ ये बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में तो यहां पे तो खैर आपको बता है अ इंट्रूडर स्किल टीम द मोस्ट पावरफुल देन अनएक्सपेक्टेड विनर डार्क हार्स की अगर हम बात करते हैं तो ये कहां से यूज होता है ये गैम्बलर्स के कॉन्टेक्ट uh, से निकल के आता है जब घोड़ों पे बोलियां लगाते थे कि भाई हाँ ये घोड़ा रेस को जीतने वाला है तो डार्क हार्स उसे कहा जाता था जिसके बारे में गैम्बलर्स को पता ही नहीं होता था कि हाँ उसके ऊपर वो बोली लगाएं बेडिंग करें और वो बाद में जीतता हुआ दिखाई दे जाए तो डार्क हार्स हम कहते ही उसी को हैं जिससे बिल्कुल उम्मीद ना हो राइट right? और ना तो वो नोन हो ना फेमस हो लेकिन अचानक उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए और वो बिल्कुल चमक जाए राइट सो करेक्ट ऑप्शन इज वेरी गुड हाँ जी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खिलाड़ियों के नाम यहां पे हम टीम की बात कर रहे हैं पूरे तौर पे करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड विनर पूरा कॉन्टेक्स्ट हमें मिल गया डी करेक्ट ऑप्शन है यहां पर बहुत अच्छे तो याद रखिएगा जिससे कोई उम्मीद ना हो और ना कोई खास जानता हो लेकिन अचानक से वो वेल well नोन हो जाए फेमस हो जाए अपनी परफॉर्मेंस की वजह से टू बीट अबाउट द बुश बहुत ही कॉमन है हाई फ्रीक्वेंसी है एग्जाम्स में आता रहा है करेक्ट ऑप्शन ओवर इज़। आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है भाई डू बीट अबाउट द बुश का मतलब टू स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर और इसके लिए एक बड़ा अच्छा शब्द आपको बताया था मैंने दैट इज वॉट सरकम लॉक्यूशन जहां पे आप देखेंगे एल ओ सी अपने आप में रूट वर्ड है इसका मतलब बोलना होता है और कौन से शब्द और देखते हैं यहां पे लॉक्यूशन विच इज फॉर्मल स्पीच जो स्कूल और कॉलेज में होता है और यहीं पे आप वर्ड देखते हैं इंटर भी जब दो पक्षों के बीच में बातचीत की जाती है मध्यस्थता के तौर पर तो सरकम लॉक्यूशन इज टू स्पीकिंग इन अ राउंड अबाउट मैनर यू आर नॉट कमिंग टू द पॉइंट डायरेक्टली दैट इज कॉल्ड टू बीट अबाउट द बुश गोल मोल बातें करना चलिए जी द फेलियर ऑफ क्रॉप इन सक्सेसिव इस पुट द फार्मर्स इन अ टाइट कॉर्नर आई थिंक बहुत ही आसान है फेलियर ऑफ क्रॉप्स लगातार फसलें खराब हो रही हैं हर आने वाले साल के साथ और ये किसानों को किसमें डालेंगे इन अ क्लोज रूम इन अ स्मॉल फील्ड इन अड ऑ दिस इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन राइट तो इन टू पुट इन अ टाइट कॉर्नर का क्या मतलब है कि उस वो इंसान जो है वो डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस गया है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आप वेरी गुड लाइक ऑंड शेयर कर दीजिए ज्यादातर लोगों के साथ क्योंकि ईडीएम्स एंड फ्रेजेस बड़े परेशान करते हैं और यहां पे ये रेगुलरली सेशन आपको मिलते रहेंगे राइट ट्वेंटी ट्वेंटी रोज करने वाले हैं थोड़ा समय आपको निकालना होगा अपने बिजी शेड्यूल से तो वो निकाल लीजिएगा ये आपके लिए शुरू किया है मैंने चलो आ जाओ नेक्स्ट वन शी कुड नेवर मेजर अप टू हर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन हां जी करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज शी कुड नेवर मेजर अप टू हर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन रीच द लेवल वर्क एज हार्ड ज द अमाउंट इनक्रीज हर हाइट द करेक्ट ऑप्शन इज टू रीच द लेवल मेजर अप टू हर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन का क्या मतलब है कि भाई माता पिता को जो उम्मीद थी जो आशा उम्मीद लगा रखी थी तुम वहां तक नहीं पहुंच पाए टू रीच अप टू दैट लेवल ए इज द करेक्ट ऑप्शन वो कभी भी अपने माता पिता की अपेक्षाओं पर खरीन नहीं उतर पाई दैट देंस यू गेट राइट आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ लिटिल गर्ल विद हर फ्लॉलेस परफॉर्मेंस स्टोल द शो हांजी बहुत ही आसान करेक्ट ऑप्शन इज स्टोल समथिंग फ्रॉम द शो क्रेप्ट इन टू शो वन एवरीबडीज प्रेज डिसअपियर फ्रॉम द शो वन एवरीबडीज प्रेज स्टोल द शो इसका मतलब क्या कि भाई सभी की तारीफ उसने बटोरी अपनी परफॉर्मेंस से दैट इज टू फ्लॉलेस फ्लॉलेस के लिए और एक अच्छा शब्द क्या है वॉट एन इम्पेकेबल परफॉर्मेंस Impeccable performance, flawless performance, inevitable performance, you know. And is a foreign expression. Bhi aata hai, par excellence. Par excellence. P A R X E X E double alien -L French expression. Par excellence. The thief was on good terms with the police. So, what is Kept terms and conditions, was friendly, followed the rules, followed the rules, and agreed with them. So, the correct option over here is. Was friendly, was friendly. Right? And there was a word we did earlier that is collusion. And this is a confusing word with the collision. But with the collision. So I think everyone is aware of the meaning. The word collision is tucker. And collusion is what? It's a kind of secret agreement between two parties for a negative act. What we call sat gat, bhagat. तो कल्यूजन याद रखना और ये वैसा ही कुछ मामला लग रहा है कि जहां चोर जो है ऑन गुड टर्म्स द पुलिस यानी दोनों के बीच में साठ गांठ है एक मिली भगत है सो दैट इज वॉट कल्यूजन कई बार इस तरह की घटनाएं सुनने को मिल जाती है हमें यदाकदा तो डू रिमेंबर दिस थिंग एंड द कैटेगरी दीज टू वर्ड्स बिलोंग इज होमोफोन सिमिलर साउंडिंग बट डिफरेंट इन स्पेलिंग्स एंड डिफरेंट इन मीनिंग्स john's offer to help was turned down by the police turned down by the police sent back twisted around refused and handed over what do you think the correct option is correct option is c refused and uh, how do you get the meaning of the word refuse Jab, when you fuse something with something means what abusco fusion right fuse or flux to flow एंड री कम मीनस वॉट री मीन्स बैक यानी किसी से फ्यूज करने से हाथ पीछे खींच लेना देट इज टू रिफ्यूज एंड टर्न डाउन बाई द पुलिस मीन्स वॉट पुलिस ने उस ऑफर को रिफ्यूज कर दिया वन फ्रिजल वर्ब मे हैव मल्टीपल मीनिंग्स लाइक इफ योर परफॉर्मेंस हैजर्न ऑन द ऑडियंसोज इफ देर इज एन आइटम सॉन्ग एंड समथिंग इज रिटन लाइक दिस लाइक योर परफॉर्मेंस है यू नो दे आर गेटिंग टेटेड बाई दैट परफॉर्मेंस टर्न ऑन द स्विच वहां स्विच ऑन करना हो गया राजू हेड गिवेन अपर सर्जरी आई थिंक इट्स अप गिव करने का क्या मतलब होता है सभी को पता है और वही यहां पर यूज हुआ है करेक्ट टेंस के कॉन्टेक्सट में हेड लगा है गिवेन अप दैट इज टू स्टॉप एक्सरसाइज करना बंद कर दिया आफ्टर सर्जरी Right had given up doing exercise after surgery. That is to top So that's all for today's session. What is your score? You can simply mention in the comment section. कितने सही हुए आपके? Out of twenty, I think काफी सही होने चाहिए, right? पहला session है moderate रखा है. धीरे-धीरे थोड़े से difficult जो आपको ना पता हो, वो sessions में आपको देखने को मिलेंगे. So please tune on this channel. राइट right, तो लोगों को बता दीजिए अपने दोस्तों मित्रों को यहाँ पे मुलाकात होगी आपकी और ये सेशन हम करने वाले हैं हो सकता है 200 से ऊपर भी आपको देखने को मिल जाए हो सकता है 400 भी हो जाए बिकॉज बिकॉजी इंट्रीगिंग बिकॉज इनके लिए कोई लॉजिक नहीं होता इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट एन इडियोबेटिक एक्सप्रेशन मीन्स वॉट यू आर नॉट अवेर ऑफ एज सिंपल एज दैट तो बिना जाने उनके पीछे की कहानी के साथ और डिस्कशन के साथ फिर वो आपके दिमाग में रह जाते हैं ठीक है चलिए सो दैट सॉल्व फॉर टूडे सेशन थैंक यू वेरी मच फॉर यूर एक्टिव पार्टिसिपेशन आई विल एक्सपेक्ट uh, कि आने वाले दिनों में भी ऐसे ही एक्टिव पार्टिसिपेशन आप दिखाएंगे मैं देख पा रहा हूं आपके स्कोर बहुत अच्छे वेरी गुड नाम पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है ठीक है तो चलिए बहुत अच्छी बात यह है कि आ, अगर क्वेश्चन गलत है मीन्स वॉट यू गॉट टू लर्न समथिंग यू इन टूडेज क्लास एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन हर एक सेशन से अगर कुछ नया सीखते हो तो वो आपके लिए अच्छी बात है ठीक है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हिंदू का एडिटोरियल हाँ होपफुली मैं नेक्स्ट मंथ से फिर प्लान करता हूं द हिंदू का एडिटोरियल देर वॉर सम पर्सनल रीजन इसकी वजह से मैं इस मंथ थोड़ा आपके साथ एक्टिव नहीं रहा बट अब ये शुरुआत हो गई है और इन तरह की चीजें जो थोड़ी सी फिक्सड वोकेब्लरी है गणित वाली तो बहुत आपने वोकेब्लरी की गणित देखी है मेरे चैनल पर देर आर ग्रूव देर आर रूट वर्ड्स एंड ऑल तो वो तो बहुत अवेलेबल बट दिस इज समथिंग विच इज फिक्सड वोकेब्लोरी फ्रिजल वर्ब फिक्स प्रपोजिशन एंड ईडियम्स ओवर द नेक्स्ट वन मंथ हम इन्हीं तरह के सेशन यहां पर करेंगे जो कि फिक्स वोकेबलरी है जहां पर आप थोड़े से परेशान होते हैं ठीक है चलिए सो दैट्स सॉल्व फॉर टुडे सेशन इट्स टाइम टू रैप अप दिस एडिशन ऑफ ईडीएम्स एंड फ्रेजेस लेट्स कैचअ टुमारो थैंक यू वेरी मच